आज संसारपुर टेरेस में डीएसपी देहरा रणधीर सिंह राणा ने द ग्रीन वैली ट्रक यूनियन में नशा निवारण के ऊपर एक बैठक रखी, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डीएसपी देहरा ने लोगों को नशे के बारे में जागरूक करवाया और बताया कि आज के समय में नशा किस तरह से युवाओं को खोखला कर रहा है, और कहा कि नशा सेहत के लिए हानिकारक है। यह जहर के रूप में हमारे अंदर जा रहा है, जिससे हमें कई तरह की भयानक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। और उन्होंने ट्रक यूनियन में लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि नशा करके गाड़ी चलाना भी एक कानूनी अपराध है। डीएसपी देहरा ने कहा कि अधिकतर घटनाएं और वारदातें नशा करने से होती है, जिससे इंसान अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, जिससे हमें इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। उन्होंने लोगों को यह भी कहा कि अगर आपके पास कोई नशा करता हुआ या बेचता हुआ दिखाई दे तो आप नजदीकी पुलिस चौकी में उसकी सूचना दे। उन्होंने लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि आज के समय में लोगों के मोबाइल पर फर्जी कॉल बहुत आते हैं, जिससे उनको बचकर रहना चाहिए। वह उसे फर्जी कॉल आने से लोगों के बैंक के खातों से पैसे निकाल जाते हैं। किसी भी तरह के आपको फर्जी कॉल आने पर किसी नजदीकी पुलिस स्टेशन में जानकारी दे, ताकि आपके साथ इस तरह की घटना ना घट सके। और इस बैठक में ट्रक यूनियन के प्रधान शमशेर सिंह, घाटी पंचायत के उप प्रधान नरेश कुमार, युवा मोर्चा के महामंत्री मनमोहन सिंह और सभी उपस्थित गण मौजूद रहे। संसारपुर टेरेस के चौकी इंचार्ज संजीव शर्मा और उनकी टीम भी वहां पर मौजूद रही। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए संसारपुर ब्यूरो की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।